हाय स्टूडेंट, तो आज का जो सेशन है करंट अफेयर्स का, जी तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स में। याद रखिएगा, हाल ही में चेक गणराज, क्या बताएं, चेक गणराज के नए राष्ट्रपति बना है। क्या बताएं, चेक गणराज का नए राष्ट्रपति बना है पेट्र पावेल। क्या नाम है, पेट्र पावेल। याद रखिएगा कि जो चेक गणराज है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। क्या बोले, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। हाँ, राजधानी जो है चेक गणराज का वो प्राग है। चेक गणराज का राजधानी क्या बताएं, प्राग बताएं। जी, मुद्रा क्या है, चेक करुणा, करोना नहीं, चेक कोरोना। क्या बताएं, चेक कोरोना। जी, प्रधानमंत्री कौन है, पेट्र फियाला। क्या बोले, पेट्र फियाला, प्याला बोलते हैं नचला, तो फियाला याद रखिएगा। जी, याद रखिएगा, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस, क्या बताएं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ना, 2 फरवरी को मनाया गया। क्या बताएं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या बताएं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। जी, याद रखिएगा, हाल ही में राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, क्या बताएं, हाल ही में राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, याद रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। क्या बताएं, राजीव लक्ष्मण करंदीकर, राजीव लक्ष्मण, लक्ष्मण भूलना नहीं, NSC है ना, राष्ट्र सांख्यिकी आयोग। क्या बताएं, राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के जो अध्यक्ष बना है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। चलिए और सवालों को जान लेते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के जो 15वें जो मुख्यमंत्री बने हैं वर्तमान समय जो मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, सुखविंदर सिंह। क्या नाम याद रखिएगा, सुखविंदर सिंह, सुख में रहता है विंदर सिंह, है ना, याद रखिएगा, सिंह लोग क्या रहता है तो सुख में रहता है, तो सुखविंदर सिंह। याद रखिएगा, हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू, क्या बोले, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है मेरे रसगुल्लो, याद रखिएगा, तमिलनाडु। क्या नाम बताएं, तमिलनाडु। जी, याद रखिएगा, हाल ही में ओलंपिक आयोजन समिति 2032, बताओ 32 की भी चुनाव हो जा रहा है क्या, कि हाल ही में ओलंपिक आयोजन समिति 2032 के CEO के रूप में किसे नामित किया गया, तो सिंडी हुक। क्या नाम बताएं, सिंडी हुक को, किसको किया गया, 2032 के ओलंपिक जो आयोजन समिति होगा उसका जो नामित किसे किया गया है, सिंडी हुक को, कब का, 2032 के लिए। जी, याद रखिएगा, हाल ही में मिसेज इंडिया 2023, क्या बोले, मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जो जीता है ज्योति अरोड़ा। क्या नाम बोले, ज्योति अरोड़ा, याद रखिएगा मेरे लाडलो। हाल ही में एक रिपोर्ट आया, अच्छा इस बार भारत का भी स्थिति थोड़ा सा ठीक है, रिपोर्ट में क्या है कि IQAir द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट है कि दुनिया का सबसे प्रदूषित देश, क्या बताएं, दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा देश है, वो चाड है। कौन सा देश बोले, चाड, दुनिया का सबसे अधिक या सर्वाधिक प्रदूषित वाला जो देश है वो चाड है। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का स्थान कौन सा है, क्या बोले बेटा, भारत का स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा मेरे बच्चों कि दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से भारत का जो स्थान है, याद रखिएगा, 8वां स्थान है। कौन सा स्थान बताएं, 8वां स्थान, कौन सा स्थान बताएं, 8वां स्थान, याद रखिएगा, प्रदूषित देशों में भारत का स्थान कौन सा है, 8वां है। हाल ही में याद रखिएगा, 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार, क्या बताएं, लिपजिंग बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया या जीता, उसका नाम है मारिया स्टेपानोवा। क्या बोले, मारिया स्टेपानोवा, मारिया, क्या नाम बोले, मारिया स्टेपानोवा। अगर आप हमारे वीडियो में है ना पसंद हो आपको, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, करेंट अफेयर्स को देखते रहें, है ना, ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना। अभी बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है, इसलिए ध्यान से पढ़ें, लगातार पढ़ें, है ना, नोट्स बनाएं। जय हिंद और थैंक यू।